सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, सभी लोगों का स्वागत है का एक और वीडियो में। आज बना चुके हैं यस मैन आइलैंड पे और ये सोलो स्क्वाड है तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा। फिलहाल जैसे मैं उतरा वेपन्स मेरे को यहाँ पे मिल जाते, उतरते एक के M4, भाई क्या ही किस्मत है। बस अब चारों कोने मेरे को बंदे चाहिए, लेकिन आते तो है बंदे, बट देखना मैं मौके का सही से फायदा नहीं उठा पाता। उस तरह देखो फाइट चल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक हेलमेट वेस्ट तो उठा ही लेता हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा भाई सॉलिड फाइट हो रही है, साहिल हेलमेट वेस्ट गए भाड़ में, रश कर सीधा रश कर। इसको पूरा फिनिश करा, मैंने देख लिया था इस बंदे ने एक ब्लू आउटफिट वाले बंदे को नॉक कराया है ना, मैंने देख लिया था। तो बस मेरे को उसी का किल चाहिए था, तो मैं निकल जाता आगे की तरफ और यहाँ से मैंने सोचा एक लैपटॉप उठा लो, बट नहीं, लालच को मैंने कंट्रोल करा। ये रहा देखो, अब यहाँ पे देखो दो बंदों की फाइट हो रही थी और मेरे को जल्द से जल्द भाई दोनों को मारना पड़ेगा, तीन किल चाहिए अपने को। और कसम से यार यहाँ पे मैंने शिट कर दिया, क्योंकि भाई मैं कुछ कर ही नहीं पाया, ढंग से किल चोरी कर ही नहीं पाया। जो चीज़ मेरे को इतनी पसंद है वो हो ही नहीं पाई मेरे से। वहाँ किल चोरी करने का ट्राई करा, वो बंदा अपने आप फिनिश हो गया, यहाँ पे ट्राई करा ये भी अपने आप फिनिश हो गया। लेकिन कोई नहीं, टोटल दो किल तो मिले जाते हैं आइलैंड पे और यहाँ पे तुम्हारे दो किल है, इससे ज़्यादा शर्म की बात ना भाई कुछ नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से मैंने बोट वगैरह बोट तो नहीं थी यार, तैर कर जाना पड़ा मेरे को, बहुत स्ट्रगल है भाई वहाँ से यहाँ तक तैर के आने में। लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रगल जो मैंने करा ना उसका फल मुझे यहाँ पर मिलता है। यस माई फ्रेंड, सामने की तरफ होते हैं बंदे, माना कि आइलैंड से मुझे किल नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। तो मैं जल्द से पहले यहाँ पे कवर में आ दूँ, क्योंकि देखो अंदर घर की तरफ भी एक बंदा मुझे दिखा था, वो शायद से बॉट था फिर पता नहीं, लेकिन हो सकता है दो बंदे हो यहाँ पे। तो आय हाय हाय, इस प्रे के लिए एक सब्सक्राइब बनता है। और स्टार्टिंग में जो एक मॉन्टेज ही देखी थी ना, बताना वो तुम्हें कार एंड शॉट्स कैसे लगे, कब की जा चुकी मॉन्टेज अब बता रहा हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब बनता है, मेरे को नहीं पता। फिलहाल जो भी यहाँ पे इसके उप्स टीममेट्स हैं अंदर की तरफ, देखो रिवाइव वगैरह चल रहा है। शॉटगन थी यार बंदे के पास, बाल बाल बचाओ मैं। फिलहाल इनको मैंने सारों को फिनिश करा, उस पर से कोई यूजी थी वो भी सप्रेसर के साथ, तो तुम्हें पता है कॉम्बो मेरे को कितना अच्छा लगता है। तो भाई मैं पिंगल गया, मैंने यूजी और सप्रेसर उठा लिया और यूजी के बहुत सारे एमोज उठा लेते मैंने वहाँ से। और फिर मैं देखो गाड़ी लेकर आ चुका था स्टेटमेंट के पास, आई मीन यहाँ पे विलेज वाले एरिया में, यहाँ पे मैं बस ऐसी गाड़ी घुमा रहा था, तभी मुझे एक बग्गी दिखी और साइड में ये बॉट है, शायद नहीं भाई ये पक्का ही बॉट था। फिलहाल जो भी हो वो देखो साइड में बिल्कुल एक बंदा स्पॉट हो चुका था जो कि रियल था, यहाँ पे एक बॉट भी था, मुझे लगा नॉक हो जाएगा, बट स्क्वाड उसकी तरफ मुझे रियल पे। हाँ इसी की मैं बात कर रहा था, देखो मुझे लगा मैं बोट का किल चोरी कर लूंगा, लेकिन उसने भाई डीपी थी ना पूरी डीपी उतार दी, नॉक फिनिश एक साथ। लेकिन कोई नहीं, अभी इसी को देखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सामने की तरफ खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक टीममेट भी था येलो आउटफिट में। भाई क्या मार गया लोंडा, उसका टीममेट देखो कवर नहीं दे पाया, नहीं तो मेरी कहानी कथन थी, वो आया। नहीं 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 साहिल, मरने के काम मत कर, मेरे को अभी तो फर्स्ट एड लगा लेने चाहिए भाई, डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, नहीं तो ये बंदा अभी तक दो बार मर जाता। अच्छा ओके फर्स्ट एड लगाएंगे, और ये देखो चलाक कैसे भाई कैसे, इस बंदे को कैसे लगा मैं ऊपर की तरफ हूँ। मतलब अगर फोन के स्पीकर से भी तुम सुनोगे ना गेम की आवाज़, तो भी पता चल जाएगा बंदा ऊपर है फिर नीचे, बट कोई नहीं यार, हो गया कुछ सीन। इस बॉट को मैंने मारा और फिर मैं देखो गाड़ी लेकर निकल चुका था जोन की तरफ। मैं सोच रहा था यार सिंह डेल्टा रियरिंग मैन, इतनी आथू वाली जगह पर जाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं अच्छा बच्चा हूँ, मेरी नज़र गलती से पीछे की तरफ जाती है। और तुमने देखा भाई क्लैश ऑफ लैंस की तरह बंदे जा रहे थे, पूरी तीन बंदे मेरे को स्पॉट हो जाते हैं। तो पहले मैं गाड़ी कवर में ले जाऊंगा, भाई ओपन में हूँ माना, लेकिन सिर्फ एक बंदे के लिए ओपन में रहूंगा तो सही रहेगा। पर वो एक बंदा ये था, बाकी का कवर मेरे को एक घर दे देता है। और तीसरे बंदे का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसके फुटस्टेप मुझे आ चुके थे, वो इसी वाले घर पे मेरी तरफ स्की करके आ चुका था। तो भाई काम बन चुका है, दो बंदे नॉक डाउन और ये ग्रेनेड। फिलहाल मेरे को अंदर जाना चाहिए, क्योंकि रेड जोन से नहीं रहा जाएगा मुझे मारे बिना, तो रुकते हैं। मैंने सोचा एक बार बाहर निकल जाओ, बट रेड जोन है, मैं इस अच्छे गेम प्ले को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे डर बस इस बात का था कि कोई सा रिवाइव ना हो जाए, क्योंकि भाई बड़े चालाकी से मैंने नॉक करे, मैं नहीं चाहता इनमें से कोई भी वापस से रिवाइव हो। बहुत ही अच्छे, यहाँ पे मैंने दो की पेटी तो बना दी है, लेकिन यहाँ पे इनका चौथा टीममेट आ चुका है शायद से, मैंने देखो प्रीफायर देने का ट्राई करा, उस पास गन देखो कौन सी है, एस्टल के। और देखना भाई कितने जंगली होते हैं एस्टल के वाले, मतलब अंधाधुन चलाते हैं, जरा सुनो सुनना भाई भाई व्हाट द हेक, मैं नीचे की तरफ हूँ, कहाँ तुम ऊपर एस्टल के चला रहे हो, और इस ग्रेनेड से प्यार होने वाला तुम्हें।
कहा था ना मैंने, और हाँ ग्रेनेड से प्यार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दिया मैंने, इस चैनल से प्यार करो ना यार। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन जो दिख रहा है उसे दबाओ, सब्सक्राइब हो जाएगा, तुम्हारा काम हो गया, कुछ पैसा नहीं लगने वाला। मेरा जो भी हमारे को गाड़ी लेकर सोचा कि जोन में निकलते वापस, मैंने सोचा ड्रॉप लूटू, लेकिन ऊपर पहाड़ की तरफ एक डाशिया है ना, वहाँ पे एक गाड़ी है, मैं कॉन्फिडेंस में, लेकिन फिर जल्दी से मैंने अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम ही कर लिया, क्योंकि भाई तीन बंदे यार, सोचो उस पहाड़ पे तीन बंदे हुए, कहाँ का रह जाऊँगा मैं, एक टांग कहीं जाएगी एक टांग कहीं, तो इसलिए मैंने सोचा रहने दे साहिल, इस वाले घर में क्यों ना थोड़ी देर रुक लिया जाए। और मैंने देखना भूल कि जोन जस्ट आ रहा है, जोन वापस से बन जाएगा, फिर निकलना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, कति कॉन्फिडेंस में जा रहा था घर में, फिर देखा भाई आ चुका है जोन, तो वापस से मैंने गाड़ी पकड़ी, और इसके बाद मैं आ चुका था अपना रहन सहन करने के लिए स्क्वाडर्स के पास, कि यहाँ पे रुक जाता हूँ, छुप जाता हूँ थोड़ी देर, बट यहाँ से भी निकलना पड़ता है। अब ऊपर देखो कोई डेविल रैम्बो नाम का बंदा ना वन शॉट नाम के बंदे को नॉक कर देता है ना, और अब देखना, देखो, और अब वो वन शॉट को पूरा फिनिश कर देता है, मतलब इस पहाड़ पे एक तो डेविल रैम्बो हो गया और एक वो हो गया, मतलब दोनों के दोनों सोलो प्लेयर्स ही बच रखे हैं। तो पहले तो चलो डेविल रैम्बो को देखते हैं, गाड़ी में बिल्कुल टॉप पे लेके गया, राइट साइड वो देखो टिंगूसा दिख चुका है, अच्छा तो यहाँ से मार सकता था, लेकिन हल्का सा गलत मूव हुआ ना, मैं नीचे जाऊँगा सीधा और गेम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे टॉप पे आया, और अब देखते हैं। भाई भाई गलत स्कैम हो गया मेरे ख्याल से, ये डेविल रैम्बो देखो वहाँ पे इस तरह से देख रहा था, जैसे तो वो वन शॉट का कोई, इसको भी टीममेट दिख गया वहाँ पे है ना, बिल्कुल इसी तरह से देख रहा था, तो मुझे लगा पक्का वो रियल प्लेयर ही था, और वन शॉट का टीममेट भी रियल प्लेयर होगा अगर वो भी रियल है तो इसी तलाश में मैं निकल चुका था वापस जोन में। और देखो जोन बनने वाला था थोड़ी देर बाद, और मैंने सोचा यार आखिरी बंदा है, कहाँ घूमता डोलूंगा, जोन में आ ही जाएगा, तो क्यों ना स्क्वाडर्स में यहाँ पे लेट जाता हूँ। मैं बता रहा गाइज मेरे को यहाँ पे डेढ़ मिनट हो चुकी थी भाई, डेढ़ दो मिनट से ज़्यादा, हर मैच में मेरे को डेढ़ मिनट ही क्यों होती है, अब पाँच मिनट भी नहीं बोल सकता ना यार, ये तुम्हें साफ लगेगा झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं वेट करता हूँ काफ़ी, और मेरे को फुटस्टेप आया, और इसकी शक्ल देखने के बाद मेरे को ये भाई किसी एंगल से रियल लगा नहीं, और मैं सच में अब ये जो जा रहा हूँ ना, जाते जाते बस यही दुआ कर रहा था काश रियल हो, लेकिन घंटा, अब भले ही बोट है रियल प्लेयर, 15 किल तो इस वाले मैच में हो जाते हैं, और एक बहुत ही सही मैच था ये वाला मैच, तो देखो मैं था ट्रायल्स स्क्वाड खेल रहा था, मैं ट्रायल्स स्क्वाड नहीं पूरी स्क्वाड थी भाई, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पूरी स्क्वाड के साथ खेलूं, पता नहीं कितने महीनों बाद में खेल रहा था, महीनों बाद शायद रैंडम्स के साथ ही खेला था एक दो हफ्ते पहले, बट यहाँ अपने दोस्त जो होते ना, मेरा जो भी मैं उतरता पायलट प्लाजा में, और यहाँ पे बंदे इतने ज्यादा आए थे ना, जरा तुम देखो मिनी मैप में भी देख पा रहे होंगे, सॉर्ड ऑफ ने बचा लिया भाई मेरे को यहाँ पे, नहीं तो ये एस्टिल के से भड़ता बना देता मेरा। फिलहाल मैंने सोच रहा था कि इसकी एस्टिल के उठाकर मैं इसको तो मार नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं, इसके टीममेट्स जो है ना इसके कर्मों की सजा भुगतेंगे, तो बस अब उनको मैं एस्टिल के से मारने वाला हूँ ये एसेट से। ओ भाई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके टीममेट भी वही कर्म कर रहे हैं जो ये कर रहा था, एस्टिल के चला रहे वो भी, बस अब देखो इनका क्या हाल होने वाला है। अब नीचे की तरफ मेरा टीममेट गाड़ी लेकर आ चुका था, और मैंने कोई यहाँ से फुटस्टेप सार थे, पक्का कोई ना कोई बंदा ऊपर गया है। बनारसी बाबू भागने का बहुत ट्राई करा इस बंदे ने, लेकिन मैंने सही टाइम इसकी टांग खींच ली। फिलहाल यहाँ से मेरे को एस्टल के एमोस मिल जाते हैं, और एक तरह से पूरी टीम मैंने मार दी, मैंने बताया ना दो स्क्वाड्स आई थी। फिलहाल मैं थोड़े अपने वेपन वगैरह ऊपर नीचे करा था, और फिर खुद ही नीचे गिर जाता हूँ, कोई बात नहीं, अभी मेरे दो टीममेट बच रखे हैं, पूरी पूरी हेल्थ है उनकी, बचा लेंगे मेरे को इजीली। यार ये अच्छी बात नहीं है, मतलब हमारी पूरी टीम ने एस्टल के उठा ली, तो हमें सामने कोई एस्टल के वाला मिल ही नहीं रहा है। फिलहाल जो भी हो, जैसे मेरे को रिवाइव मिला, मैं अपना लैपटॉप लगाता हूँ, मेडकिट लगाता हूँ अपनी, और उसके बाद वो देखो सामने उसके कुछ टीममेट्स घूम रहे हैं, तो वहीं पे पक्का वो रिवाइव हो रहा होगा, तो मैं सीधा उसी तरफ निकलता हूँ। और भाई मजे बंद गए यहाँ पे, जो ही मारा बंद हो 6 किल चलो मेरे यहाँ पे हो जाते हैं, और फिर अब ऑफकोर्स आगे से गाड़ी पकड़ूंगा ना, तो मैं देखो हील करता हूँ, मस्त जा रहा था, और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कैंपर दिखाता हूँ, देखो भाई सोच के देखो कब से बंदा वेट कर रहा होगा, क्योंकि इसे पता था हाँ उस तरफ फाइट हो रही है, तो बंदे यहाँ पे गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, तो मस्त छुप जाता हूँ। इसे टीपीपी टेकर नहीं किया जाता भाई, इसे प्योर कैंपिंग कहा जाता है। फिलहाल कोई नहीं, मेरे को रिवाइव वगैरह मिल जाता है, मैं अंदर की तरफ घुस जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा भी नॉक हुआ था, हो सकता है कोई और टीममेट किसी कोने से निकला है, तो यहाँ पे हील करते हैं, और अब अचानक से बॉट फायर होती है, देखना और ये रियल सामने R4 केस M4 मार दिए जाते हैं भाई, पता नहीं किस किस कोने में छुपे रहते हैं। फिलहाल गेम को रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे, मैं देखो गाड़ी लेकर निकल चुका था थर्ड डोर के पास, हॉट ड्रॉप है, पता नहीं था मुझे बंदे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं बस ऐसे ले आया कि भाई कुछ तो होगा। और देखो मिनी मैप में ना मेरे को ऊपर फुटस्टेप आते हैं, जरा आप लोग देखो एक बार, अब पता नहीं बोट है फिर क्या सीधा, लेकिन
भाड़ में जाओ भाई, यहाँ पे हो रही है असली फाइट, और जरा देखना बस तुम देखना, सामने दो बंदे मेरे को स्पॉट हो चुके, देख लेफ्ट वाले घर पे, देख राइट वाले घर पे, और अब देखना मेरा जो फेवरेट घर है ना, आई मीन बार हाउस, ये ड्राइवर भाई साहब बार हाउस के दरवाजे पे ना टोटल तीन बंदे इंतजार कर रहे थे, हमारी किस्मत थी जहाँ पे बच के चलो, एक को तो मैंने नॉक कर दिया और मैं पूरा स्टिल के चलाने के मूड में था, तो भाई अब ये इन बंदों को पता नहीं क्या हाल होगा। पीछे की तरफ एक बंदा कूदा था जो कि अब यहाँ से आता है, इसे कहते हैं बिल्कूल बेरहमी से मार, ज्यादा बुरा कर दिया भाई इन बंदों के साथ, लेकिन यही है भाई देखो मैं इसी तरह जिस तरह बंदे मर रहे ना उसी तरह मैं रोज मरता हूँ इस गेम में। फिलहाल जो भी मैं अब गड्डी लेकर निकल चुका था ओल्ड बेसिन की तरफ, एक्चुअली जोन तो वहां नहीं था लेकिन ओल्ड बेसिन से होते होते मुझे गाड़ी चाहिए थी जो कि आगे मेरे को यहाँ पे मिलती, बट ये गोली ओल्ड बेसिन से चली क्या, कोई बात नहीं मैं उतरता हूँ और अब देखना। ये देखो सप्रेस कैरल चल रही है यहाँ पे ओल्ड बेसिन की तरफ से, तो मैंने स्कोपिन करा और यहाँ पे शायद तुम्हें एक बंदा जंप करता दिख जाए, अभी तक तो नहीं दिखा मुझे, अभी मैं स्कोपिन कर ही रहा था, वो देखो यस यस रेड आउटफिट में एक बंदा तो था जो कि उतरा था वहाँ से, पक्का रियल पर था, तो हम लोग गाड़ी लेकर रश करने वाले थे, और देखो एके वगैरह भी चल रही है, बंदे तो यहाँ पे हैं दो तीन, तो मेरे को चाहिए भाई ये वाली किल, और देखो सप्रेस कैरल यहाँ चल रही थी, पूरी स्क्वाड है भाई इनकी, पिंक आउटफिट वाला भी दिख चुका है, सारे कलर तो बता ही दिए मैंने, रेड वाइट पिंक, शांति रखते हैं रुकते हैं। और भाई इस बंदे को तो मार दे, लेकिन बुरा लगा इसके लिए, इसके टीममेट मतलब वहां से थोड़ा बहुत कवर फायर भी नहीं देते, मतलब गोली तक नहीं चलाते कि हाँ भाई हमारा टीममेट मरा है, मैं बताऊं ऐसे प्लेयर्स मेरे को बहुत ही बेकार लगते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, दो बंदे बचे थे हमारे अलावा, और ये पक्का रियल है, याद ओल्ड बेसिन मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ था और एक पिंक आउटफिट वाला भी था, तो पिंक और रेड ये दोनों बच रखे हैं, तो मैं आगे की तरफ निकलता हूं, मुझे लगा इस इन घरों में होंगे ओल्ड बेसिन के, मैं आता हूं यहां पे, देखो किसी भी एंगल से लग तो नहीं रहा बंदे यहां पे, तभी मैंने जोन की तरफ देखा, ये रहे बंदे भाई, कमाल का बॉडी शॉट लगा, शायद वो हेड लग सकता था बट इट्स ओके, गुद्दी पे लग के रह गया होगा, कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि यार इसको तो मैं हेडशॉट से मारूंगा, मैंने टीममेट से बोल दिया कि यार कोई मत मारना प्लीज, ये किल अपने को मांगता है, थोड़ा जल्दी कर गया, इस बार थोड़ा टाइम लेंगे और फिर एम करते हैं, और भाई साहब शिज़ुका गई, बस नोबिता पता नहीं नोबिता होगा कौन होगा, लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नोबिता होगा या फिर डेगिसुकी होगा, जियान जियान का तो घंटा कोई नंबर नहीं है भाई, नोबिता वो देखो पिछली बार बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था, पिंक आउटफिट वाला ही था ये, मैंने बताया था ना ये इन घरों की तरफ जा चुका था, आप लोग सुन सकते हो पत्ता सुखी, ग्रेनेड मैंने टॉस करा और वो देखो बंदा बिल्कुल टॉप है, खत्म कहानी भाई इसकी, भाई ये ना ही नोबिता निकला ना ही डेकिसुकी निकला, जियान भी नहीं निकला भाई, तुमने देख लिया ना बंदे का क्या नाम था, समझ जाओ बस जो भी हो नहीं कर दे, मतलब कर लेते हैं यार किचन डिनर, क्या बोल रहा है साहिल, ये वाला मैच देखो मैं आधा आइलैंड पे सोलो स्क्वाड खेल रहा था, उतरती शॉटगन तो मेरे को मिल जाती है, और यहाँ पे बंदे आए हैं या नहीं वो तुम खुद ही पता लगाओ, थोड़े नहीं भाई बहुत बंदे आए, पटर पटर हो रही है बड़ी सॉलिड वाली, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से एम करना, कहाँ पे किस पे एम करना शुरू करो, तो मैंने सोचा भाई पहले एक कोना पकड़ लेता हूँ यही ठीक रहेगा, और एक बंदा आ रहा है, एक बंदा इस कोने पे आ रहा है, पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन पीछे से इसका एक टीममेट फिर से इस कोने पे आ रहा है, और भाई पूरा आइलैंड यहाँ पे क्लियर हो जाता है, सच में मेरे को ये तीन किल भी यहाँ पे कम लगते हैं, पता नहीं क्यों बस लगते हैं यार यहाँ पे, मतलब कम से कम पाँच किल तो तुम्हारे होने ही चाहिए, कोई बात नहीं मैंने आगे से बॉट ली, बॉट लेकर मैं बस जा ही रहा था सीधे सीधे, और आप लोग ग्राउंड पे देखो सामने जो खुला मैदान है ना, कोई बंदा स्पॉट हुआ कोई बात नहीं हुआ होगा, मेरे को स्पॉट हो चुका था, मैं शैक पे अपनी इस बॉट को चढ़ा देता हूँ, और अब स्प्रे देखना बस, हाँ पता है इतनी पास से मारना नॉक करना आसान है, लेकिन गोली कुछ ज्यादा सॉलिड चिपक गई यार, मतलब मैं मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था इतना स्टेबल कैसे, फिलहाल कोई बात नहीं यहाँ से मैंने अपनी डाशी उठाई जो कि पग्गी बदल जाती है, हाँ मैंने चेंज कर ली थी, और तुम्हें पता है ये ब्रिज क्रॉस करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, नहीं नहीं थर्ड हिल नहीं ओल्ड पैसे नहीं जाऊँगा, थर्ड हिल जाना होता तुम्हें पता है शॉर्टकट, पानी में से सीधा गाड़ी ले जाता मैं और बड़ी फास्टली उस तरफ पहुंच जाता, मैं आता हूँ ओल्ड बेसन में, ये हॉल ड्रॉप है भाई क्या पता कोई बंदे आए हो, तो मैं गाड़ी बस स्लो स्लो लेके जा रहा था इन घरों के पास, अक्सर यहीं पर बंदे लूटते हैं, और लोंडे मेरे फेवरेट वाले घर पर चढ़ रखे हैं, और कितने लोंडे हैं
लोंडे हैं ना, तो मतलब एक से ज्यादा होंगे, नहीं तो अकेला होता तो समझ ही जाओ। फिलहाल मैं ऊपर गया और बंद कर दिया दरवाजा। एस्टल की थी, तो मैं एक अलग ही चोड़ में था, लेकिन भाई ये बंदे असॉल्टर बढ़िया है देखो, मतलब मिली सेकंड्स में बंदे ने कितनी कम हेल्थ कर दिया, बट उसके पास एस्टल के है तो भाई अब तो मेरे को पूरा फ्रीडम मिल चुका है। बस तो फिर तो इन बंदों को मरना ही था एस्टल के से। फिलहाल मुझे एक किल और चाहिए, डबल डिजिट किल हो जाएंगे, और मैं वो डबल डिजिट लेने आया था यहाँ पर ये ड्रॉप लूटने, और भी बंदे मर चुके हैं, 6 बंदे बच चुके हैं मेरे अलावा। तो ये गेम प्ले अगर 6 के 6 को मैं मार दूँ तो बात कुछ ज़्यादा तगड़ी बन सकती है। फिलहाल ड्रॉप लूटने आया, पीछे की तरफ देखो एक और ड्रॉप है, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें पता चलेगा। ड्रॉप मैंने लूटा यहाँ से, मुझे RPG मिली जो कि मैं बिल्कुल नहीं उठाने वाला। नहीं यार, थोड़ा ही ब्रूटल बन जाते हैं, इतना ब्रूटल बनने की भी कोई जरूरत है नहीं। एस्टल के वालों को एस्टल के से मार देंगे। अब मैं गाड़ी लेकर वापस से रिसर्च में निकल चुका था, 5 बंदे बच रखे हैं अब, और मुझे घंटा कोई बंदा नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, और मैं गाड़ी लेकर ड्रॉप लूट रहा फिर वहीं आ जाता हूँ। मतलब मैं आप गेम प्ले देख रहा था ना खुद अपना रिकॉर्ड करने के बाद, मैं सोच रहा साहिल तेरी यादाश्त चली गई थी क्या यार, ये ड्रॉप मैं लूट चुका था। मैं आया, RPG मिली, मैं सोचा नहीं RPG नहीं चाहिए। फिर मैं दूसरा ड्रॉप लूटने गया पीछे की तरफ जो था, यहाँ पे मैंने देखा RPG है, फिर मैंने सोचा भाई दोनों में RPG है क्यों ना, RPG के एम उठा ले तो 3-3, 6-7-8 एम हो जाएंगे मेरे पास, जितने बंदे बच रखे हैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो हाँ, मैंने RPG के एम वगैरह दोनों ड्रॉप से उठा लिए, लेकिन मारूँ किसको। चलो तो भाई एस्टल के चला के एक तरह से बंदे ने बोल दिया कि हाँ भाई मेरे को मार सकते हो आप लोग, तो चलो इसी की तरफ चलते हैं। एस्टल के माना उसके पास, लेकिन RPG भाई इसका कोई तोड़ नहीं है, मैं बता रहा कोई तोड़ है ही नहीं तो अभी तक मैं इतना नहीं मरता। एक ही तोड़े से भाग लो बस, जितना दूर भाग सको, और अब ये बंदे समझ चुके थे। ओ भाई देख रहे हो, बंदे अंदर की तरफ आ नहीं रहे, यही खौफ है इस गन का। ये गन अगर तुम्हारे पास है ना, ये तोप जो भी तुम इसको कह लो, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी कोई तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगा। एस्टल के जब किन बंदों के पास, भाई साहब खौफ देख रहे हो, अंदर आने की कोशिश ही नहीं कर। ग्रेनेड भाई साहिल चल ऊपर, भाई 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 बच गया मैं, अभी सारा कॉन्फिडेंस निकल जाता। ये निकला है कॉन्फिडेंस तो कुछ सारा, भाई मजे आगे कसम से। दोनों बंदे जहां पे भी थे ना, दोनों के बीच में मैंने RPG फेंकी, आधा डैमेज एक हो गया, आधा डैमेज एक हो गया, और शायद से ऑलरेडी लो थे ये, और बात बन जाती है कसम से। आज जितनी बार भी मैं RPG और एस्टल के से मरता हूं ना, सारी भड़ास एक ही दिन में निकल गई। अब मेरे को बुरा लग रहा है इस अकेले बंदे के लिए जो कि बच रखा है यार, जोन इतना बड़ा है, इसको ढूंढते डोलो क्या हाल होगा इसका। लेकिन टेंशन मत लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, वी विल स्किप टू द गुड पार्ट। ये देखो और यार इसके पास भी एस्टल की थी, लेकिन आज तो मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जो भी हो करते हैं किचन टेरर, होप्स उसे भी कहा ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी, जरा से भी मजा आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे जरूर से दबा देना, आगे 1 मिनट की वॉन्टेज होगी वो देखे जाना। मैं आप लोगों से कल मिलता हूं, गुड बाय। Memories bring me through.